एस ब्लॉग वैन फाइन और आज है उदयपुर का ब्लॉग पार्ट टू। और पहला ब्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर किया था द सिटी पैलेस का। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज हम जाने वाले हैं बागौर की हवेली। जी हाँ, बागौर की हवेली जो कि एक म्यूज़ियम है। तो हम देखेंगे बागौर की हवेली। और ये उदयपुर का छोटा सा लोकल मार्केट है जो कि आप देख रहे हो। यहाँ आप थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करना चाहो अपने लिए कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारा सामान मिल रहा है लाइक प्लाजो और ये राजस्थानी पर्स वगैरह एवरीथिंग और राजस्थानी दुपट्टा जो भी होता है मिल रहा है। तो छोटा सा ये मार्केट है तो आप खरीद सकते हो, यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं बागौर की हवेली की तरफ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। लेट्स गो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम आए हैं बागौर की हवेली। तो देखते हैं बागौर की हवेली में क्या है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम आए हैं बागौर की हवेली। तो देखते हैं बागौर की हवेली में क्या है। नाम थोड़ा वो लग रहा है, बागौर की हवेली। तो आइए बागौर की हवेली का दौरा करते हैं। तो गाइस, ये सबसे पहले हम आए हैं यहाँ। सब आप देख सकते हो राजा महाराजाओं के हथियार वगैरह हैं। तो ये सब काफ़ी पुराने हैं तो आप देख सकते हो। तो गाइस, ये एक तरीके का म्यूज़ियम है जहाँ तलवार भाले अनवल हैं। गाइस, यहाँ पे कुछ लोक गायिका है। ओके गाइस, तो ये है शादी भवन। यहाँ पे रॉयल काइंड ऑफ वेडिंग्स होती है। तो वही आपको ये स्टैचूज वगैरह है आप देख सकते हो। लोक गायिका है, ये है लोक गायिका। इतना जरूरी एक्सप्लोर करना लग रहा है। तो गाइज, यहाँ पे रॉयल वेडिंग का एक पूरा वो दिखा रखा है, सारे मूर्तियों के थ्रू स्टैचूज बना रखे हैं पूरा। यहाँ पे आपको जैसे कि रिश्ता आने से लेकर डोली उठने तक सब कुछ ये स्टैचूज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ये रॉयल वेडिंग्स है, राजा महाराजा की जो वेडिंग्स हुआ करती थी कुछ इस तरह से। ये सासू आरती, राजा की आरती उतार रही है उनके सासू माँ। तो आप देख सकते हैं रॉयल वेडिंग का नमूना कितना खूबसूरत है। ये टाइप की नो रॉयल वेडिंग होती है जैसा यहाँ पे लिखा है। गाइज, ये मूर्ति के थ्रू आपको पूरा मतलब शादी की रस्में वगैरह सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है, वो भी मूर्तियों के द्वारा कि किस तरह से शादी की मेहंदी हल्दी एवरीथिंग आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सब दिखा रखा है। शादी की रस्मों वगैरह के लिए इसका जो काइंड ऑफ बनाया गया है आप देख ही सकते हो। यहाँ पे कुछ रस्म वगैरह चल रही है, मूठी वाली रस्म। ओके, अब ये है दुल्हन विदा हो रही है, आप देख रहे हो दुल्हन सज रही है और दुल्हन की विदाई चल रही है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बड़ी उन्नी है, दुल्हन को दिखाओ। हाँ, ये दुल्हन कितनी खूबसूरत है।
लुक एट द दुल्हन, लौकियों की बलाई ले लूं। ये है हमारे राजा जी, आई थिंक इनकी शादी हो रही है। ओके गाइस, दिस इज़ रॉयल सागा और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के फ्लैग्स लगे हुए हैं, जैसे जयपुर स्टेट, बीकानेर स्टेट और भी अलग अलग स्टेट्स के फ्लैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये मूर्तियाँ बनी हुई है महाराणाओं की, वीर योद्धाओं की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं, जैसे महाराणा छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरती से इन स्टैचुओं को बनाया गया है, यू कैन सी, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं स्टैचू। और ये लोगो है आई थिंक अलग अलग स्टेट्स के, आप देख सकते हो सारे लोगो यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, जयपुर स्टेट, अलवर स्टेट और भी बाकी सारे स्टेट्स के लोगो यहाँ पर हैं। ओके गाइस, तो आप देख रहे हो व्यू, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आई कांट एक्सप्लेन। और उदयपुर बहुत ही खूबसूरत सिटी है, तो आप देख सकते हो ये खूबसूरत लेक के बीचों बीच ये सारे पैलेस वगैरह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस, दिस इज पपेट म्यूजियम, यहाँ पे सारे पपेट्स हैं राजा महाराजाओं के, सबके पपेट्स यहाँ पे आपको बनाकर दिखा रखे हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो ये पपेट म्यूजियम कितना खूबसूरत है और कितना खूबसूरती से कैसे इन पपेट्स के थ्रू, जो कि हाथों की कारीगरी से बनाया गया है, पूरा ये आपको दर्शाया गया है राजा महाराजाओं की, जो उनका रहन सहन, उनके मतलब किस तरह से, मतलब इन पपेट्स के थ्रू आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कितनी खूबसूरती से पूरा उनका साम्राज्य जो बनाकर दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये और बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। बहुत मेहनत लगी होगी इसे बनाने में क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज, दिस इज़ पपेट म्यूजियम और इट्स एक्चुअली वंडरफुल, आप देख सकते हो यहाँ पे तरह तरह के पपेट्स हैं, सारे राजा महाराजा, यू नो लुक एट द राजा। रानी, ये जितने सारे महाराजा वगैरह हैं ये ऑल सबका पपेट है, उनके क्या कहते हैं, सैनिक या जो भी होते हैं ना, क्या होते हैं, खुद ही बोल रही हूँ, व्हाटएवर जो भी है। बट म्यूजियम बहुत प्यारा है, इतने खूबसूरत खूबसूरत पपेट है, इस राजा को देखो, क्यूट सा राजा। आई होप गाइज वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो अगर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज एक बार उदयपुर घूमने ज़रूर आना क्योंकि लेक सिटी है उदयपुर और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और गाइज अगर आप आते हो तो इसी मंथ में आना, जनवरी फरवरी, क्योंकि यहाँ पे इन सब मंथ में आना सही रहता है, अदरवाइज़ धूप रहती है।
तो अब बहुत परेशान हो सकते हैं वो गर्मी के कारण। तो हम लोग भी फैब में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गाइस राजा यहाँ लोग नृत्य देख रहे हैं आई थिंक। ओके गाइस पपेट म्यूजियम हमने देख लिया है, अब हम जा रहे हैं। गाइस मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि लोग विदेश क्यों जाते हैं, वेनिस वगैरह क्यों जाते हैं, अपना इंडिया इतना खूबसूरत है, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस उदयपुर। ओके गाइस तो बागोर की हवेली कंप्लीट। यहाँ पे आपको महाराणाओं का और राजकुमारियों का जो पूरा उनका तौर तरीका रहन सहन सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हो सारे उनके जो भी रोज़मर्रा के सामान होते हैं वो सब ये आप यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हो यहाँ पे ये रानियों के लहंगा वगैरह जो भी है आप देख रहे हो। और ये म्यूज़ियम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत म्यूज़ियम है। एक्चुअली ये म्यूज़ियम्स देखना मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बट ये पहला म्यूज़ियम है जो इतना खूबसूरत है, बागोर की हवेली। जी हाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब चीज़ों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और आप देखो आगे ये म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक्चुअली गाइज यहाँ पे आने से पहले मुझे नहीं पता था कि बागोर की हवेली एक म्यूज़ियम है, क्योंकि जब मैंने जब सुना था बागोर की हवेली मुझे लगा कोई हवेली है। और जब मैं यहाँ आई तो आपने देखा था एंट्रेंस में लिखा हुआ था म्यूज़ियम, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गाइज ये है पन्नादाई, दिखा रखा है आपको फोटो में। तो गाइज यहाँ पे चित्रों के माध्यम से भी बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब बता रखा है पूरा इतिहास। और ये मंदिर है आप देख सकते हो, और साथ ही साथ सारी चीज़ों को इतनी खूबसूरती से दिखा रखा है। और है ये, हाँ ये है हाड़ी रानी। आई होप आप लोग ने हाड़ी रानी की कहानी सुन रखी होगी। बहुत ही वीर रानी थी हाड़ी रानी, जिन्होंने भेंट के रूप में अपना ही सिर काटकर अपने महाराजा को भिजवा दिया था। अगर आपने नहीं सुनी तो अभी यूट्यूब करके हाड़ी रानी कहानी सुनो, बहुत ही वीर रानी थी, वीर और महान रानी हाड़ी रानी। गाइज यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से चीज़ों को दिखा रखा है। आपने देखा अभी बाहर दीवार पर जो ये खूबसूरत नक्काशी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा भी है। की पगड़ियाँ हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ पे पगड़ियों को भी एक्सप्लोर किया गया है, यू कैन सी। और धन्यवाद।
और गाइस कहने को तो म्यूजियम है बट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है बाबू की हवेली। तो ये बहुत अच्छी अच्छी सारे शाम पगड़ी ही है, राजा जी की पगड़ी है। इट्स ऑल अबाउट पगड़ीज पगड़ीज। तो गाइज ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे राजा महाराजाओं के। ओके गाइस नाउ अब हम लोग जा रहे हैं बागोर की हवेली। म्यूजियम कंप्लीट हो चुका है देखना। ये इसका पूरा हुआ नहीं। ओके गाइस तो बागोर की हवेली से हम बाहर आ चुके हैं। अब मैं पिचोला लेक के पास थोड़ा बैठूंगी। गाइस उदयपुर एक्चुअली सच अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मुझे पता नहीं था कितना मजा आने वाला है। अरे फिसलने मत। ओके गाइस तो व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट अब हम जाएंगे मॉनसून पैलेस जो कि आएगा पार्ट 3 में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो बाय बाय।